हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट बेस पढ़ते हैं, जो आपके हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, SSC, रेलवे, UPSC, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो या MPSC, लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा होता है करंट बेस इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अगर बात करूँ 7 से 8 क्वेश्चन आपसे यहाँ से क्वेश्चन उठ के आते हैं। प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन भी उठा के देख सकते हैं कितना क्वेश्चन पूछा गया है और नहीं पूछा गया, तो इससे कभी कभी वेटेज भी 8 से 10, 10 से 12 तक के GK GS के सेक्शन में यहाँ पे उठा के पूछ लिया जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है यहाँ पे करंट बेस, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो आप डेली बेस पर जैसे करंट बेस में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। डेली जानकारी चाहता यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ नॉलेज के भी लिए अभी बढ़िया कम से कम 10 से 15 मिनट आज की डेट में आप लगाते हैं, तो यकीन मानिएगा आपके एग्ज़ाम के टाइम पूरे में से पूरे नंबर करंट अफेयर्स में यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे, बाकी आप समझदार हो। तो आज है आपका 23 जुलाई, 23 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। और इसका आप PDF जैसे प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप PDF इसे प्राप्त डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। तो हाल ही में किसे किस राज्य के जो मुख्यमंत्री, इन्होंने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की है, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में जो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो इन्होंने जो ग्रामीण आवास न्याय योजना एक स्कीम यहाँ पे इसको स्टार्ट किया गया है। ये खासकर जो छत्तीसगढ़ सरकार ने यहाँ जितने भी छत्तीसगढ़ के राज्य के नागरिकों को इनको आवास सुविधा देने के लिए इसको लाई गई है। इसके तहत यहाँ पर जो ग्रामीण अंचल में जो जिनके पास जो गरीब परिवार हैं, जिनको मतलब कच्चे जो घर हैं, मतलब उन लोग को या एक तरह का इनको पक्का आवास बना के इनको दिया जाएगा। तो इसके तहत आपका 2011 के जो सर्वे सूची में जिन लोग छूट गए थे, मतलब जिन जो बन चुका है जिन लोग छूट गए हैं, तो इसके तहत इनको दिया जाएगा ग्रामीण अंचल में, और एक खास करके उनको पक्का घर बना के दिया जाएगा। और इस योजना के तहत जितने भी BPL कार्डधारी हैं ये सभी इनको दिया जाएगा, या आपके 2011 के सर्वे के हिसाब से जो बचे हुए इनको दिया जाएगा। और लगभग इसमें 100 करोड़ इसकी बजट रखी गई है, तो इसको याद रखिएगा। बात करते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, CM है भूपेश बघेल जी, और विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के गवर्नर है, तो इसको याद रखिए। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अमेरिकी इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन बनी है, मोक्ष राय, लिसा फ्रेंचेंटी, दीक्षा डागर या आपके इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लिसा फ्रेंचेंटी उनको हाल ही में अमेरिका के इतिहास में, याद रखिएगा अमेरिका के इतिहास में जो बाइडेन यहाँ के जो राष्ट्रपति, इनके द्वारा नौसैनिक अधिकारी बनाने वाली पहला महिला कौन बनी है, लिसा फ्रेंचेंटी। याद रखें अमेरिका में ऐसा पहले बार हो रहा है जिसमें आपके नौसेना में, जो आपके अमेरिका जो नौसेना है यहाँ के जो नेवी के लिए, यहाँ पे अधिकारी के रूप में लिसा जो फ्रेंचेंटी को बनाया जा रहा है। याद रखें तो महिला जो करेगी इस बार नौसेना का नेतृत्व करने वाली है, जो बाइडेन इसके द्वारा इनको नियुक्ति दी गई है, तो इसको याद रखिएगा। तो आपके नेवी अधिकारी बनने की कहाँ की, अमेरिका की। बात करते हैं अमेरिका की, यहाँ की राजधानी है Washington DC, यहाँ की जो राजधानी Washington DC, यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और उपराष्ट्रपति कौन है, जो हमारे भारतीय मूल के आपका कमला हैरिस, याद रखिए कमला हैरिस यहाँ के उपराष्ट्रपति जो कि हमारे भारतीय मूल के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय आम दिवसीय जो दिवस है कब मनाया गया है, 20 जुलाई को, 22 जुलाई को, 21 जुलाई को या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई। तो हम प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को राष्ट्रीय आम दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। क्यों मनाया जाता है, इसको बनाने का उद्देश्य क्या है, इसके पीछे का, तो ये खास करके आपको पता है जो हमारे भारत में बहुत सारे जो आम है, जैसे अल्फांसो आम, और आपका बहुत सारे जो उत्तर प्रदेश के जो आम, उड़ीसा का आम है, इसको GI टैग दिया। GI टैग क्या होता है, एक तरह का आपका
भौगोलिक संकेत है, उसमें कुछ खासियत होता है तभी इसको जीआई टैग दिया जाता है। तो इसी तरह के जो आम को बढ़ावा देने के लिए, खास करके आम के उसके महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, मान्यता देने के बढ़ावा इसको दिया जाता है। भारत में देख रहे होंगे सबसे ज़्यादा उत्पादन अगर भारत में होता है आम के, यहाँ तक विदेश में भी यहाँ पे आम सप्लाई किया जाता है। तो इसी के उद्देश्य से यहाँ पे लोगों को जागरूक करने के लिए आम के और यहाँ पे उसकी जानकारी के लिए इस पर मनाया जाता है। तो इसको याद रखें, तो प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को राष्ट्रीय आम दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आरबीआई ने किस राज्य में स्थित यूनाइटेड इंडिया को ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है? महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई? नीतीश का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आरबीआई जानते हो, आरबीआई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? मुंबई, महाराष्ट्र में इसके हेडक्वार्टर है। और 1 अप्रैल 1955 में स्थापना किया गया था। और शक्तिकांत दास जी अभी 25वें क्रम के हमारे गवर्नर हैं। तो हाल में जो आरबीआई ने जो यूनाइटेड जो इंडिया एक ऑपरेटिव बैंक है इसका जो लाइसेंस रद्द किया है, या फिर उत्तर प्रदेश के यूनाइटेड इंडिया जो ऑपरेटिव एक बैंक है जिन आरबीआई के द्वारा इसको लाइसेंस को रद्द किया गया, यहाँ पे मतलब ये इसको लाइसेंस को अप्रूव नहीं किया गया, रद्द कर दिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश बात करते हैं, उत्तर प्रदेश जिसको हम यूपी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के सीएम हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल जो है यहाँ के गवर्नर है। तो इसको याद रखिएगा, योगी आदित्यनाथ जी जो कि चर्चा में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण ने कहाँ जीएसटी भवन को उद्घाटन किया है? मुंबई में, अगरतला, कोलकाता या इनमें से कोई? नीतीश का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अगरतला। ये अगरतला कहाँ पे आता है? तो ये आपका त्रिपुरा की राजधानी है, इसको याद रखिएगा, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। तो आपके जो हमारे जो वित्त मंत्री हैं, जो हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, इनको जानते हुए तो हाल ही में उन्होंने जीएसटी भवन का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में किया गया है। और एक तरह आपका जो जीएसटी भवन उद्घाटन जो किया है इसके तहत यहाँ पे जो जीएसटी जो कर लगता है, सीमा शुल्क जो लगता है, ये आपका एक तरह का कार्यालय है जो आपके अगरतला में इसको खोली गई है। तो ये आपके ऑफिस कहाँ पे खोला गया है? अगरतला, गुवाहाटी, ये सभी इसी जोन के लिए इसको, इस कार्यालय को खोला गया है। तो इसको याद रखिएगा, ये एक तरह का परियोजना है जिसको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इसको ओपन किया गया है, उद्घाटन किया गया है, कहने का मतलब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केविन मिटनिक है जिनका निधन हुआ है, कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए थे? हैकर थे, लेखक थे, अभिनेता थे या इनमें से कोई नहीं थी? आपका कंप्यूटर हैकर था, याद रखिए, जो नाम को याद है, केविन मिटनिक, मात्र इनका जो एज है 56 साल के एज है जिनका हाल में निधन हुए, कि आपके कंप्यूटर हैकर था, याद रखिएगा। तो ये आपके अमेरिका में इसको बहुत बार जेल भी जा चुके हैं, कंप्यूटर हैक करते बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल जो इंटरनेशनल जो कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी, ये कंप्यूटर हैक करके यहाँ पे मोटा मोटा पैसा वसूलते थे। तो आप बहुत बार यहाँ पे इनके मतलब जेल भी गया है। तो ये आपका कंप्यूटर हैकर था, कंप्यूटर सुरक्षा भी सलाहकार के रूप में काम किया है। और साथ ही साथ ही आपके लेखक भी हैं, इसको भी याद रखिएगा, लेखक भी हैं, हैकर भी हैं, तो इसको याद रखिए। तो अमेरिका के रहने वाले हैं, अमेरिका में जो सर्वाधिक बार कंप्यूटर के यहाँ पे अपराध इनके ऊपर दर्ज भी की गई है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे LIC के प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया है? LIC को सभी जानते होंगे, LIC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि एक बीमा कंपनी है, तो इसको याद रखिएगा। और इसकी स्थापना कब किया गया था? तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो इसको याद रखिए, 1 सितंबर 1956 में इसकी स्थापना किया है LIC का, जिसका फुल फॉर्म होता है आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का फुल फॉर्म होता है। इसके चेयरमैन कौन है? इसके प्रबंध निर्देशक सतपाल भानु को इनको बनाया गया है, याद रखिए, सतपाल भानु अभी LIC के प्रबंध निर्देशक इनको बनाया गया है। और जो आपका दबलेश पांडे हैं, जो तबलेश जो पांडे हैं इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जिसको शॉर्टकट में इसको MD बोला जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
हाल ही में आरकेसी ने कहा, 14वीं क्रम की स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तर बैठक की अध्यक्षता की है। असम, गोवा, राजस्थान या इनमें से कोई नीतीश का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गोवा, यहाँ की राजधानी है। पणजी प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो इसको याद रखें। तो हाल ही में जो आरकेसी हैं, जो हमारे ऊर्जा मंत्री हैं, इन्होंने 14वीं क्रम की स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है, जिसमें आपके ऊर्जा को लेकर, जो स्वच्छ ऊर्जा लेकर आपके जो गिनरी को जो स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए आपके इस बैठक का आयोजन किया गया है गोवा में। तो इसको याद रखिए, राजधानी यहाँ की पणजी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय माइलोमा फाउंडेशन के नए अध्यक्ष कौन बने? राकेश पाल, अभिजीत शर्मा, एस विंसेंट राजकुमार या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल में अंतर्राष्ट्रीय जो माइलोमा फाउंडेशन के नए अध्यक्ष आपका एस विंसेंट राजकुमार को बनाया गया। तो ये आपके खास करके जो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय जो माइलोमा फाउंडेशन क्या है, एक तरह की आपका जो फाउंडेशन जो संस्था है, जो माइलोमा जो रोगी होते हैं, जो बीमारी है एक तरह का, तो माइलोमा के उपचार के लिए इस संस्था को गठन किया गया। तो माइलोमा से जो ग्रसित जो मरीज उसको देख रेख के लिए इसकी गठन का है, आपके इसको प्रमाणित भी किया जा चुका है, प्रमाण पत्र भी दिया जा चुका है। तो ये आपका एक तरह के इसमें प्रयोगशाला में वर्क किया जाता है, इस अनुसंधान विज्ञान के क्षेत्र में रोगी के बेहतर उपचार के लिए इस पर वर्क किया जाता है। इस फाउंडेशन के जो नए जो अध्यक्ष आपके एस विंसेंट राजकुमार के इनको बनाया गया है, तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नामाज्ञा जो खम्फा को किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किया? यूएई, सोमालिया, फ्रांस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा सोमालिया। तो नामाज्ञा जो खम्फा को किस देश में भारत के अगले राजदूत बनाया गया है, तो आपके सोमालिया के नए जो राजदूत इनको सोमालिया के लिए इनको नियुक्त किया गया। बात करते हैं यहाँ पे सोमालिया, या आपके ईस्ट अफ्रीका में एक कंट्री आती है। कैपिटल यहाँ के मोगादिशु, याद रखिए कैपिटल यहाँ के मोगादिशु यहाँ के कैपिटल है। और राष्ट्रपति कौन है? तो हसन शेख मोहम्मद यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो आपके हमजा आब्दी जो बर्रे हैं यहाँ के आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जो ब्रांड टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज कौन बने हैं, याद रखिएगा। तो जेम्स एंडरसन, ट्रेविस हेड आपका, स्टुअर्ट बॉर्ड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्टुअर्ट जो बॉर्ड है, ये आपके टेस्ट मैच जो आपका चल रहा है, टेस्ट मैच में इन्होंने 600 विकेट लेने वाले दूसरे तेज गेंदबाज कौन है, पहला कौन है? तो आपका जेम्स एंडरसन, याद रखिए पहले आपके जेम्स एंडरसन है, दूसरा आपका स्टुअर्ट बॉर्ड है। स्टुअर्ट बॉर्ड जो है कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो आपके इंग्लैंड के क्रिकेट प्लेयर हैं, याद रखिए इंग्लैंड के क्रिकेट प्लेयर, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने 600 विकेट लेने वाले दूसरे तेज गेंदबाज बन गए हैं। और आपका पहला आपका जेम्स एंडरसन है, तो इसको भी याद रखिएगा, इंग्लैंड के जाने माने प्लेयर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एकल उपयोग प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से बंद करने का निर्णय लिया गया है? उड़ीसा, असम, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। तो असम की राजधानी है आपका दिसपुर, और हेमंत विश्व शर्मा आपके यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं। तो हाल ही में जो असम सरकार ने क्या किया है, तो असम सरकार ने 2 अक्टूबर से यहाँ पे जितने भी 1 लीटर से जो कम मात्रा की जो पॉलीथीन जो रहती है, साथ ही साथ जो पॉलीथीन बनी जो पीने के पानी के जो जितने भी बोतल वगैरह जो उत्पादन जो कंपनी बनाती है जो उत्पादन करती है, ये आपके सभी को यहाँ पे बंद किया जाएगा, बैन किया जाएगा। साथ ही साथ इसको उपयोग के लिए भी यहाँ पे प्रतिबंध, इसको बैन लगाया जाएगा। कौन सी सरकार के द्वारा? तो असम सरकार के द्वारा इसको जितनी बोतल वगैरह बनते हैं, पानी बॉटल वगैरह, और साथ ही साथ जो पॉलीथीन वगैरह आती है, पानी पाउच वगैरह होगा, तो सभी इस यहाँ पे प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो इसको याद रखें, इससे इन्वायरमेंट जो आपके जीव जंतु इसको खाने से बहुत सारे उसको मतलब नुकसान है, इसी देखते हुए यहाँ पे असम सरकार ने इसको बंद करने का निर्णय लिया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? आपका
जापान, अमेरिका, श्रीलंका या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में भारत और आपके जो श्रीलंका ने जो नवीकरणीय जो ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता किया गया है। कहने का मतलब है जो यहाँ पे जो ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए यहाँ पे जो ग्रीनरी को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ पे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर यहाँ पे हस्ताक्षर किया है श्रीलंका और भारत के बीच। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 लाख रुपये तक के हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त फसल ऋण शुरू किया है। केरल, उड़ीसा, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं थोड़ा उड़ीसा का। उड़ीसा के CM कौन है? तो नवीन पटनायक यहाँ के CM है। गवर्नर कौन है? तो यहाँ के जो गवर्नर आपके गणेशी लाल जी यहाँ के गवर्नर है। और आपका लिंगराज मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, चावल जो कटक में आपका अनुसंधान केंद्र है चावल का, ये आपका स्थित है। बारबती स्टेडियम, लिंगराज मंदिर, ये सभी यहाँ पे स्थित है। और ब्लैक पैगोडा जो भगवान सूर्य का मंदिर, ये अभी आपका उड़ीसा में स्थित है। चिल्का लेक, ये सभी आपके कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछा जाता है। तो बात करते हैं यहाँ पे, तो हाल ही में 1 लाख रुपये तक के ब्याज मुक्त फसल जो ऋण शुरू किया आपके उड़ीसा सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो उड़ीसा सरकार ने 1 अप्रैल सन 2022 से इन्होंने जो प्रतिवर्ष जो ब्याज रेट है 0% पे, जो यहाँ के लोगों के लिए जो कृषि खेती करते हैं उन लोगों के लिए 0% ब्याज दर में 1 लाख रुपये तक के यहाँ पे कोई भी यहाँ पे 0% में कोई भी दर से इनको यहाँ पे ब्याज ऋण इनको दिया जाएगा। मतलब कोई भी इनसे मतलब ब्याज नहीं लिया जाएगा 1 लाख रुपये के तक के। 1 से 3 लाख जैसे होता है तो उस पर 2% यहाँ पे लिया जाएगा। 1 लाख तक के में कोई भी इनसे ब्याज दर नहीं लिया जाएगा। तो इसकी खास करके जो खेती किसानी करते हैं जो मजदूर वगैरह के लिए, कृषक के लिए, खास करके इसको उड़ीसा सरकार के द्वारा इसको लाया गया है। तो इसको याद रखिए। तो कृषि ऋण देने का फैसला किया है उड़ीसा सरकार ने, तो इसको याद रखिएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, शाहरुख खान या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहरुख खान, सभी जानते हो जाने माने बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं शाहरुख खान। तो हाल ही में इनको ICC विश्व कप 2023 के जो क्रिकेट जो होता है ICC, जो हाल में जो ICC विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया गया। आपको TV में जो आपका ICC होने वाले उसके लिए आपके एडवर्टाइज देखते आपको देखने को मिल जाएगा। तो किसको ब्रांड एम्बेसडर बना है? तो शाहरुख खान को बनाया गया। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए, आज के सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए, थैंक यू।